हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आईटी जेई और नीट के पॉइंट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हर साल इस टॉपिक में से 2, 3 या 4 सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2, 3 या 4 सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है। जो ये टॉपिक कवर होगा बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो कैसे कैसे आए। उसके बाद हम बात करेंगे कि एटम के जो अर्लीस्ट मॉडल से वहाँ से चलते 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 क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पे डिस्कशन करेंगे और कुछ वेव थ्योरी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आज फर्स्ट लेक्चर है। वेलकम यू ऑल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग और वेरी गुड नाइट वेन एवर यू आर वॉचिंग मी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज जो हम बात करेंगे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पार्ट से थ्योरेटिकल सवाल एक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये बेसिक है, यहीं से स्टार्ट करोगे तो अभी टॉपिक में मज़ा आएगा। हो सकता हो आपने ये टॉपिक पढ़ रखा हो, पर इसमें कुछ बारीक बारीक सी डाउट्स होंगी जो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर की कहानी तो बहुत पुरानी है, आप सबको पता होगा कि पहले महर्षि कन्नड ने बोला कि हम सब 5 तत्व से बने हैं, 5 तत्व से हैं। फिर सबसे पहला जो रिकग्नाइज्ड मॉडल आया बच्चों, वो जॉन डाल्टन का था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सबने क्लास 9th, 10th, 8th, 6th, 7th कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। डाल्टन ने बोला क्या था कि द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज एटम। अब देखो ये बात सही नहीं है, हम सबको पता है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट जॉन डाल्टन 1805 में ये बात नहीं जानते थे। उन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज एटम। उन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से एक बड़ी डिस्कवरी थी, एटम आया, फिर मॉलिक्यूल्स आए, ये सारी बातें स्टार्ट हुई होना कि किस चीज़ से हम बने हैं, इस बारे में लोग सोचना स्टार्ट किए, एक्सेप्ट फॉर दिस रिलीजन और एनीथिंग एल्स की, मतलब डिस्कवरी स्टार्ट हो गई, हम एटम के अंदर घुसना शुरू किए, मॉलिक्यूल्स या किसी पार्टिकल के अंदर जाना। फिर जॉन डाल्टन ने बहुत सी थ्योरीज में बहुत से पॉइंट्स दिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि फेल कर गई ऑन एवरी स्टेप, फिर भी एक बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, क्योंकि कोई अब एग्जैक्टली एटम की बात करनी किसी ने स्टार्ट कर दी थी। जैसे जॉन डाल्टन ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम, ध्यान से सुनो, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के एटम हमेशा डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टी नहीं सेम हो सकती, उनका मास नहीं सेम हो सकता। आज के ज़माने में ये डेफिनेशन नहीं लगती, आप देखते हो आइसोबार्स, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनका मास बराबर होता है। जॉन डाल्टन ने यह भी बोला कि सेम एलिमेंट के एटम हमेशा एक जैसे होंगे, सेम एलिमेंट के एटम हमेशा एक जैसे होंगे। आज के टाइम पे यह भी फ्लॉप हो गया, आइसोटोप्स आ गए, है ना। अब हाइड्रोजन के ही 2 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है। अब दोनों हैं तो हाइड्रोजन के, पर एक जैसे नहीं है, अलग अलग होने लगे। तो उन्होंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल मॉडल दिया था, उन्होंने बोला था एटम कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है, जिससे कि कंपाउंड बनता है, ये सारी बातें सही भी थी। उसके बाद बच्चों जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आना स्टार्ट हुआ, वो तब आया जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। जॉन डाल्टन का मॉडल करीब करीब 100 साल तक, करीब करीब आप मान लो 70-80 साल तक वैलिड था और लोग उसको बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे। फिर जॉन डाल्टन का मॉडल तब ब्रेक हुआ जब हुई बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो क्रेडिट जाता है वो तो जे थॉमसन को जाता है कि इन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, नाम इनका दिया हुआ नहीं है, नाम किसी और ने दिया था, फिर भी डिस्कवरी का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, जे थॉमसन को। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अकेले ये काम किया, ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये बहुत कलेक्टिव एफर्ट था, ये बहुत बड़ा मूवमेंट था जिसमें पूरा वर्ल्ड शामिल होता गया। आज भी हम इसी रेस में चल रहे हैं, डिस्कवरीज यहीं से तो स्टार्ट हुई ना, एटम के अंदर जाना हमने शुरू किया। तो बहुत से साइंटिस्ट थे, अकेले ये नहीं थे यार। जैसे माइकल फराडे का बहुत बड़ा रोल था इन एक्सपेरिमेंट्स में जहां से इलेक्ट्रॉन निकला। फराडे भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो जे.जे. थॉमसन कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, किस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो आप टॉपिक डाल लो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी बच्चों कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब क्या है, ठीक है, एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए, मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसको हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है,
और एक इलेक्ट्रोड दूसरा है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जिसको हम एनोड बोलते हैं। ये जो पूरा एक ग्लास का ट्यूब दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट बहुत चल रहे थे उस जमाने में, सभी लोग कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट। इसमें एक पंप लगा हुआ है जिससे हम इवैक्यूएशन पंप बोलते हैं, जिससे हम अंदर की गैस को सक करके बाहर निकालें और कुछ भी प्रेशर अंदर मेंटेन कर सकें एज लो एज पॉसिबल। हम सारी गैस को सक करके, एयर को सक करके बाहर निकाल लें और अंदर के प्रेशर को लो कर सकें, इसलिए ये पंप लगा रखा है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी गैस डाल दी, इसके अंदर हमने कोई भी गैस डाल दी, इवैक्यूएशन पंप से प्रेशर को 10^-3 mm ऑफ मरकरी तक ले गए, बहुत ही लो प्रेशर पे ले गए, 10^-3 mm ऑफ HG तक ले गए। ऐसा करने पे बच्चों हमने देखा, और ये जो कैथोड और एनोड था इसको बहुत हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, करीब करीब 1000 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, 1000 वोल्ट। और ऐसा करने पे हमने देखा कि हमारे कैथोड से एनोड की तरफ एक इनविजिबल रेज जा रही थी, तो हमको दिखाई तो नहीं पड़ी होंगी। तो बच्चों पता ऐसे चला, जो हमारा एनोड था, एनोड के पीछे हमने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे क्या लगा रही थी, एक स्क्रीन लगा रखी थी जो कि फ्लोरोसेंट मटीरियल की थी। फ्लोरोसेंट मटीरियल वो होते हैं जिन पे जब कोई पार्टिकल पड़ता है तो वो चमक जाते हैं, ठीक। तो वो लगातार चमक रहे थे, जो एनोड के पीछे की स्क्रीन है, पॉजिटिव वाले के पीछे की जो स्क्रीन थी वो लगातार चमक रही थी। इसका मतलब पॉजिटिव के पीछे कोई पार्टिकल आके मार रहा है, और वो पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव से, यानी कैथोड से, ठीक है। तो आइए वापस देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिकल कहाँ से आ रहा था, कैथोड से। तो नेगेटिव टर्मिनल से बच्चों निकल के कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे, वो तो मैंने अभी बना लिया इलेक्ट्रॉन, तब तो किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और पॉजिटिव से लगा था एक एनोड, ठीक है, और नेगेटिव से लगा था कैथोड, ठीक है। ये सब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर थे, ठीक है। और यहाँ पे लगा रखी थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसके पीछे लगा रखी थी हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया हमारा, ठीक। तो हमने देखा ये स्क्रीन लगातार चमक रही है, तो इसका रीज़न ये दिया गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एक रेज बनी होगी, या यहाँ से कोई रेज बनी होगी किसी चीज़ की, और वो रेज आके यहाँ पे हिट की होगी। आप बोलोगे हिट कैसे करेगा, तो इन्होंने ना एनोड में थोड़े थोड़े होल कर दिए थे छोटे छोटे, इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे मार रहे होंगे और यहाँ पे लड़ रहे होंगे। अब आज आपको पता है, इलेक्ट्रॉन है तब नहीं पता था, अभी होता क्या है, बहुत हाई पोटेंशियल लगाओगे तो ये देखो एक मेटल की प्लेट है, इलेक्ट्रोड है, ये मेटल की प्लेट है, तो यार आपने हाई पोटेंशियल लगाया, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, मेटल के पास रहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, तो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेता है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को पुल करके, इतना हाई पोटेंशियल लगा दिया ना मैंने 1000 वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। अब रास्ते में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टकराए भी नहीं, क्यों नहीं टकराए, क्योंकि आपने प्रेशर कम कर रखा है। यही सवाल आता है कि प्रेशर लो क्यों किया, 10^-3 mm ऑफ HG का प्रेशर लिया आपने, वेरी वेरी लो प्रेशर। हमारा प्रेशर क्या है आसपास, 760 mm, तो आप बहुत बहुत ही लो प्रेशर पे गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहीं टकराया नहीं। प्रेशर लो होने का मतलब क्या है कि वैक्यूम है भाई, अगर मैं बोलूँ कहीं पे प्रेशर है जीरो, मतलब एक्जैक्टली वैक्यूम, वहाँ कुछ नहीं है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, तो यहाँ गैस है ही नहीं इतने लो प्रेशर पे, तो ये इजिली मतलब है, ऐसा नहीं नहीं है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो ये बहुत ही तेज स्पीड में यहाँ से वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स निकले, और इतने तेज थे कि ये इनविजिबल दिखे, इनका कोई कलर नहीं था, और यहाँ पे आके ये स्ट्राइक किए, तो हमने कहा कि रेज निकल रही, क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे हैं, इतनी तेज जा रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे, हमने बोला क्या है, ये एक रेज है, और इस रेज का नाम बच्चों दिया गया कैथोड रेज, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज कहाँ से कहाँ जा रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए बोल दिया गया कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ भाग रही थी। फिर कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की, जो जो पता चली, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पता चली, जैसे पहली, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बच्चों क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव से किस तरफ भाग रही हैं, पॉजिटिव की तरफ। सेकेंड पॉइंट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे
ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों ये कैसे पता चला कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं? हमने क्या किया, कैथोड रे के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। ओपेक को हिंदी में क्या बोलेंगे, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं कर सकती, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा। तो हमने देखा कि कैथोड रे के रास्ते में जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा तो उसके पीछे शेडो बन रही थी। अब भैया शेडो तभी बन सकती है जब ये रे सीधी सीधी चल रही हो। दस वी कैन से दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। फिर बोला गया दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उनके पास कुछ एनर्जी थी मोशन वाली। ये कैसे पता चला, हमने उनके रास्ते में छोटे छोटे पैडल व्हील रख दिए, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे और बहुत लाइट होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े साइकिल के व्हील रखे हैं पैडल वाले, बहुत ही छोटे पैडल व्हील, बहुत ही लाइट हमने उनके रास्ते में रखे। तो हमने देखा पैडल व्हील घूमने लगे, मतलब पैडल चलने लगे और व्हील घूमने लगा, इसका मतलब इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो मोशन में भी है। तो हमने बोला दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। चौथा पॉइंट बच्चों बोला गया दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स से। अगर नहीं बने होते तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आती भाई? काइनेटिक एनर्जी किसके पास होती है, पार्टिकल्स के पास होती है, जिसके पास मास हो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन्होंने कहा कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तभी वो पार्टिकल आके पैडल व्हील पे मारता है और व्हील घूम रहा है। इतने कंक्लूजन हुए मेरे कैथोड रेस के बारे में। और भी बातें हुई हैं, जैसे नेक्स्ट पॉइंट था, अब जैसे दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये पता करने का एक तरीका और था, क्या दे आर डिफ्लेक्टेड towards positive plate in electric field, ठीक है। हमने electric field apply की discharge tube के ऊपर और नीचे या सामने और पीछे। electric field क्या होती है बच्चों, electric field होती है कि एक तरफ हमने बड़ी सी positive plate discharge tube के बाहर, जैसे मान लो ये discharge tube है, इसके बाहर एक तरफ बड़ी positive, जैसे मान लो ये discharge tube है, इस तरफ positive इस तरफ negative plate बड़ी बड़ी रख दी। तो जब कैथोड रेज ऐसे जा रही थी तो वो डेविएट हो गई, किस तरफ डेविएट हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसका मतलब क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये डिफ्लेक्शन भी शो करती है। अगला पॉइंट था दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिज्म पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जाता है तो डिफ्लेक्ट होता है। निकाला था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, याद आ रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट होता है, जिसका मतलब फिर से ये पता चलता है कि दे हैव सम चार्ज एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अगली चीज़ जो बच्चों इनके बारे में थी वो ये थी दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब इल्यूमिनेशन, जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे वो पड़े तो चमक आने लगी जगह जगह पे, सो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बच्चों इनकी पता चली, प्रॉपर्टी नंबर 8, दे प्रोड्यूस एक्सरेज। अब ये डिफरेंट टॉपिक हो गया पूरा। देखा गया जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज आर मूविंग वेरी फास्ट, व्हेन फास्ट मूविंग कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल टारगेट ऑफ हैवी एटॉमिक मास, जब यही कैथोड रे एक भारी भरकम मेटल से टकराई तो एक्सरेज निकली। एक्सरेज आपने पढ़ी होंगी ना, जो आपका होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैथोड रेज की। और कैथोड रे के इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, कि कैथोड रेज जिस पार्टिकल से बनी है, जो वो पार्टिकल हैं जो कैथोड से नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पैडल को घुमा रहे हैं, जो शेडो को बना रहे हैं, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है, वो पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर रुको, किया क्या इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को चेंज कर दिया, मतलब पहले कोई एक गैस थी, बाद में कोई दूसरी गैस ले ली, गैस को ही चेंज कर दिया। अच्छा, गैस को चेंज करने पे देखा गया ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोड के मटेरियल को भी चेंज किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल
दोनों को चेंज किया गया एक साथ अलग अलग सब कुछ चेंज करके देखा जा रहा है कभी गैस चेंज कर रहे हैं कभी इलेक्ट्रोड मटेरियल कभी दोनों को चेंज कर दिया द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम गैस को बदल दो तुम इलेक्ट्रोड को बदल दो कहां से निकल रही है कैथोड रेज ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रोड कैथोड से निकल रही थी वो नेगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला खींच के निकाल रहा था उसके एटम में से वहां से बन रही थी कैथोड रेज अब तुमने इसको चेंज कर दिया कोई और इलेक्ट्रोड रखा तब भी जो कैथोड रेज निकल रही है वो सेम है रास्ते में जो गैस है उसको चेंज कर दिया तब भी जो कैथोड रेज निकल रही है वो सेम है इसका तो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही मतलब ये सभी तरह के एटम में पाई जाने वाली कोई पार्टिकल है हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं गैस चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड अभी आपके दिमाग चल रहा है गैस से क्या हो रहा है देखो गैस की भी कहानी है हर चीज़ का रीज़न है आयनाइजेशन की कहानी है होता क्या है ये गैस के पार्टिकल रास्ते में है रास्ते में गैस के पार्टिकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया कचक्कू इसको मारा अब इसको इलेक्ट्रॉन मारेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया गैस के पार्टिकल भी किससे बने होते हैं यार एटम से तो उनके बाहर भी इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल आया अब ये इलेक्ट्रॉन भी ट्रैवल करने लगा ठीक है मतलब गैस से भी थोड़ी थोड़ी कैथोड रेज निकलती हैं कहा जाता है कैथोड रेज प्रोड्यूस आयनाइजेशन ये भी एक प्रॉपर्टी कैथोड रेज प्रोड्यूस आयनाइजेशन आयनाइजेशन कर रहे हैं आयंस निकाल रहे हैं पॉजिटिव आयन बना रहे हैं नेगेटिव आयन तो इलेक्ट्रॉन कुछ गैस से भी निकल रहे थे मतलब गैस का नेचर चेंज करने पे भी कहानी चेंज नहीं हुई क्योंकि अभी भी इलेक्ट्रॉन तो इन सब कंक्लूजन से हमने बोला कि ये जो पार्टिकल्स थे ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल चीज है सब जगह पाए जा रहे हैं गैस चेंज करो इलेक्ट्रोड चेंज करो हर जगह पाए जा रहे हैं फंडामेंटल और इन्हीं का नाम बच्चों पड़ गया फंडामेंटल पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन इसी बात को एक दूसरे तरह से भी कहा गया था क्या किस तरह से कहा गया था ठीक है जे.जे. थॉमसन ने एक मेजरमेंट की थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस हुए हैं ठीक है ये मेजरमेंट इनकी ज़्यादा फेमस है क्या इन्होंने मेजर किया था चार्ज टू मास रेशियो नोट में डालें इसको वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने एक कैलकुलेशन की चार्ज टू मास रेशियो की ठीक है इसके लिए इन्होंने एक पूरा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप किया था जो कि हमारे सिलेबस में नहीं कि कैसे निकाला समहाउ ही फाउंड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज का पर जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है और क्योंकि पार्टिकल्स बनी है तो मास है उस चार्ज टू मास रेशियो को इन्होंने फाउंड किया था ठीक है और जो चार्ज टू मास रेशियो था चार्ज टू मास आज के टाइम में इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों ई बटे एम आप समझ ही रहे हो ई क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का है मास एम ठीक है वो बच्चों आया 1.75 इंटू 10^11 अब ऊपर चार्ज है बच्चों चार्ज की यूनिट होती है कूलम पर केजी 1.75 इंटू 10^11 कूलम पर केजी अब इंपॉर्टेंट कहानी सुनो एक बात बताओ अगर मैं गैस चेंज करूं या कैथोड चेंज करूं क्या ये चेंज होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज वही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी वही रहेगा पार्टिकल तो वही है आप भी समझ गए हो तो एक चीज ये भी थी ऑन चेंजिंग द गैस और द इलेक्ट्रोड मटेरियल द ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज रिमेन्ड सेम तो जो ई बाई एम था जो चार्ज टू मास रेशियो था डज इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इट डजंट डज इट डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इट डजंट द ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स सेम नो मैटर वॉट एवर बी द नेचर ऑफ गैस वॉट एवर बी द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो ये एक बड़ा हिटअप पॉइंट था इसी से कंक्लूड हुआ कि ये पार्टिकल सभी पार्टिकल के अंदर है और ये एक सब एटॉमिक एटम के अंदर का पार्टिकल है विच इज इलेक्ट्रॉन बात क्लियर हुई अभी एकदम बढ़िया से एंड दिस चार्ज टू मास रेशियो विल नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस नीदर डिपेंड अपॉन मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड दोनों पर ही डिपेंड नहीं करेगा ठीक है तो यहां तक पहुंच गए हमारे भैया जे.जे. थॉमसन ठीक है क्या डिस्कवर किया उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ठीक है इसकी वैल्यू कई लोग बोलते हैं नेगेटिव होनी चाहिए यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है पर लिखी ऐसी जाती है ठीक है वो हमें पता है अच्छा इसके बाद भाई साहब एक साइंटिस्ट है मिलिकन और मिलिकन ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट
मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये आपको समझ में तब आएगा जब आप ट्वेल्थ की मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे। अभी इनका कंक्लूजन बताते हैं, इन्होंने बताया क्या। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने कंक्लूड किया 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इन्होंने ESU में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फिर अब लेटर ऑन हम इसको SI यूनिट में लिख रहे हैं। 1.6 × 10⁻¹⁹, आज की डेट में इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू थोड़ी सी अलग है, 1.6022, कई लोग बोलते हैं 6021 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, धीमे धीमे वैल्यू इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, और चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो ये किसने निकाला है, जे थॉम्सन ने निकाला है। ठीक है, कई बार हल्के फुल्के कॉम्पिटिशन में मैच कराने को आ जाता है। अब तुमको चार्ज टू मास पता है और चार्ज भी पता है, चार्ज मतलब ई, क्या अब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आपको ई बाई एम पता है, आपको ई पता है, यू कैन फाइंड एम। तो फिर इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा आया 9.1 × 10⁻³¹ kg। 9.108 है, पर आप याद करने के लिए रखो इसको, याद करने के लिए। और ये हमको ये पता था, हमको ये पता था, हमने दोनों वैल्यूज़ को यूज़ किया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे से हुई। चार्ज टू मास रेशियो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज टू मास रेशियो थॉम्सन ने निकाला, इसके बाद मिलिकन ने चार्ज निकाला, फिर दोनों को मिला के हमने मास निकाला। ठीक, तो ये तो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसकी डिस्कवरी हुई। इसके बाद जो अगली डिस्कवरी थी बच्चों, वो थी प्रोटॉन की। अब क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट इतने फेमस हो गए थे कि हर कोई इसी को ट्राई कर रहा था। ठीक है, जैसे अभी आजकल आप देख लो यूट्यूब पे जो चीज़ फेमस होती है, जैसे बीबी की वाइंस फेमस हुआ, तो उसके बाद सबने अपना चैनल नाम दे दिया बीबी की वाइंस, है ना। तो ये यहाँ भी चल रहा था, लोग वैसे ही है ना, ह्यूमन नेचर इज सेम, जो चीज़ हिट होती है लोग उसी के पीछे चल जाते हैं, है ना, कि हम भी ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही चल रहा था कि सब डिस्चार्ज ट्यूब पे लगे हुए थे, कोई पोटेंशियल चेंज कर रहा था, कोई प्रेशर चेंज कर रहा था, कोई गैस चेंज कर रहा था, कोई मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब लगे हुए थे कि कुछ चेंज करके शायद कुछ और निकल आए। थॉम्सन ने अभी अभी एक पार्टिकल डिस्कवर किया है, खैर थॉम्सन ने भी लेट किया था, माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट और पहले से कर रहा था। ठीक है, माइकल फैराडे इज अ वेरी बिग साइंटिस्ट, वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है ऑन पेपर, वो ई गोल्डस्टीन को जाता है। ऑल्दो अभी भी आप अगर इसको गूगल करोगे तो ये जे थॉम्सन के नाम से दिखाता है, पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यूपीएससी वगैरह सब में इसको एक्सेप्ट करता है, ई गोल्डस्टीन। इन्होंने की हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी, वही डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी इनके पास भी थी, डिस्चार्ज ट्यूब। तो इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या चेंज किए? पहला चेंज इन्होंने किया, इन्होंने गैस का जो प्रेशर था वो उतना लो नहीं रखा, इन्होंने गैस का प्रेशर रखा 10⁻¹ mmHg, और वहाँ चल रहा था 10⁻³ mmHg। ठीक है, दूसरी चीज जिन्होंने क्या यूज़ की, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज़ किया, वहाँ पे वो एनोड यूज़ कर रहे थे, इन्होंने कैथोड में छेद किए, इन्होंने जो छोटे छोटे होल थे वो किस में किए, कैथोड साइड में, नेगेटिव साइड में। ठीक है, और ये हमारा पॉजिटिव साइड है, और इन्होंने प्रेशर को थोड़ा सा गिरा दिया, दो डिफरेंस थे। ठीक है, प्रेशर गिराने का मतलब गैस ज़्यादा हो गई इसके अंदर, है ना, मोर गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर कम हो गया, सॉरी प्रेशर बढ़ गया है ना। पहले प्रेशर टैंक के पास -3 mm था, वैक्यूम के पास था करीब करीब, जो थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट को करीब करीब वैक्यूम के पास था, यहाँ प्रेशर फिर भी है, तो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स थे। ऐसा करने पे इन्होंने देखा कि कलर्ड रेज, ध्यान दो मेरी बात, कलर्ड रेज निकली। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है हमारी एनोड रेज से, जिसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की किससे हुई थी, कैथोड से। देखा गया कि एक कलर्ड रेज निकली, पिछली बार इनविजिबल थी, इस बार कलर्ड रेज निकली, अब की बार दिखाई भी पड़ रही रेज जाती हुई, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भाग रही थी, जो कि पॉजिटिव से किस तरफ भाग रही थी, नेगेटिव की तरफ भाग रही थी। कैसे पता चला, इसके पीछे फ्लोरोसेंट मटीरियल लगा लिया कैथोड के पीछे, और ये जाके वहां पे पड़ी, स्ट्राइक की और चमक गई, इससे पता चला। अब देखो ये नेगेटिव की तरफ जा रही, तो डेफिनेटली इन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कहाँ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इन रेस के बारे में बातें स्टार्ट हुई, कैनाल नाम रखा क्योंकि ये कैनल की तरह इसमें से निकल जा रही थी, तो नाम दे दिया कैनाल रेस, है ना, कैनाल की तरफ फ्लो कर रही थी।
चमक भी रही थी, दिखाई भी पड़ रही थी और फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस कर रही थी। और कहाँ से निकल रही थी? एनोड से कैथोड। तो एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ। याद नहीं करता इसको कोई भी, समझते हैं, पढ़ते हैं, प्यार से समझते हैं, ठीक। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी एनोड रेज की? तो पहली बात तो एनोड रेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैसे पता चला? क्योंकि भाई साहब नेगेटिव की तरफ जा रही थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे डिफ्लेक्ट भी कर रही थी, और कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। कैसे पता चला होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, एक तरफ पॉजिटिव बड़ा सा लगा लिया बाहर ट्यूब की, एक तरफ नेगेटिव, तो देखा वो नेगेटिव की तरफ भाग रही थी, मतलब चार्ज थी, ठीक है। बाकी सब वही रहेगा, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, जब स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही है तो फ्लोरोसेंस। दे हैव काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्यों है, क्या ये इनका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन ये है क्या, ये है क्या? दीज आर गैसियस आयंस, ठीक है, समझो ये कैथोड है हमारा, ये एनोड है हमारा, ठीक है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने पोटेंशियल लगाया बाहर से, तो हुआ क्या कि गैस में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, कुछ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पिछली बार कम थे भाई, पिछली बार प्रेशर इतना लो था कि पार्टिकल्स थे ही नहीं गैस के, इस बार हो गए, तो हो क्या रहा है कि गैस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल किस तरफ भाग रहे हैं, एनोड की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ भाग रहे हैं। ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज। ये भी बन रही है, बिल्कुल बनेगी कैथोड रेज, कम बन रही है। और गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो गैस कैसी हो जा रही है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये किधर भागे? कैथोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव तरफ, नेगेटिव तरफ। और इसको कौन सी रेज बोली हमने? इसको बोला एनोड रेज, है ना, क्योंकि किधर से आती हुई दिख रही है? एनोड से कैथोड की तरफ। तो इनका ओरिजिन क्या है? गैसियस आयंस है, कि गैस के जो आयंस हैं, गैस के जो एटम्स हैं, उसमें से बनी है ये, ठीक है। और कैथोड रेस कहाँ से निकली थी? कैथोड रेस कहाँ से निकली थी? इलेक्ट्रोड से। अच्छा, तो सारी प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हुई, एक्सरेज नहीं बनाती ये, हाई स्पीड पे ये भी मूव करती हैं, उतनी हाई स्पीड पे नहीं होती, पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है, आप भी समझ रहे हो। यहाँ मैं हाइड्रोजन रखूंगा तो पार्टिकल छोटे होंगे, हीलियम रखूंगा पार्टिकल बड़े होंगे, नियॉन रख दूंगा गैस तो पार्टिकल और बड़े हो जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि एनोड रेज प्रोटॉन से नहीं बनी है, कई लोग यही सोचते हैं। कैथोड रेज तो इलेक्ट्रॉन से बनी है, पर एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ये बात याद रखना। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, एनोड रेज गैसियस आयंस होते हैं, जो गैस के आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं। सो इनकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ गैस पे। भाई जैसी गैस लोगे उसका पार्टिकल उतना बड़ा या छोटा होगा, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम इनका भी चार्ज टू मास रेशियो निकालें, क्या निकालें? चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो निकालें, किसका? एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो। तो दिस विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, जो कि ये प्रूफ करता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। भाई साहब एनोड रेज जिससे बनी है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, वो सब में नहीं पाया जा रहा, कुछ अलग कहानी है। सब में चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट आ रहा, वहां पे चार्ज टू मास रेशियो सब में सेम आ रहा था, मतलब पार्टिकल सेम था, यहां हर बार पार्टिकल चेंज हो रहा है, गैस डिफरेंट करने पे पार्टिकल चेंज हो रहा है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है बिटवीन कैथोड रेज एंड एनोड रेज। एग्जाम में लिखने के लिए आप स्टार्ट करोगे कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड रेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड रेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड रेज, अब यहां गलती मत करना, एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, आर मेड अप ऑफ गैसियस आयंस, ये हैवी होती हैं, वो लाइट होते हैं। तो यहाँ तक की बातें चल रही थी बच्चों। तो अब हम लोग को लगा कि यार ठीक है, अब ये समझ में आया कि एटम होता है, एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन है, और कुछ पॉजिटिव भी है जो सब गैस में अलग अलग है। तो यार काफ़ी टाइम तक एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे कि ये डिस्कवरी कुछ आगे बढ़े हमारी, कुछ बात बने, कुछ कुछ तो बने, कुछ निकले यार इसका रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट करते 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 करते
इन्होंने एक काम किया, इन्होंने देखा कि चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट कब आ रहा है, किस गैस को लेने पे चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आ रहा है। तो इन्होंने देखा जब इन्होंने लाइटेस्ट गैस ली विच इज हाइड्रोजन, जिसका मास सबसे मिनिमम था बाकी गैसेस में, जब उसको यूज किया तो चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आया। ठीक है, आज की डेट में आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर होता क्या है भाई, एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो जब हाइड्रोजन का ये एटम रहा होगा, इसके अंदर एक प्रोटॉन रहा होगा, बाहर एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा, आपने इधर पॉजिटिव लगाया इधर नेगेटिव लगाया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कर बाहर आ गया होगा और प्रोटॉन इधर भागा होगा। यानी इस बार जो गैसियस आयन है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन अब लिख सकते हो आप, इन केस ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास है क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन, बाकी गैसेस में बहुत से प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, अब हम बोल सकते हैं, अब समझ में आया। कैथोड रेज हमेशा इलेक्ट्रॉन से बनी, पर एनोड रेज प्रोटॉन से सिर्फ तब बनती हैं जब आप हाइड्रोजन को यूज करो। अब आप बोल सकते हो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड दिस चार्ज टू मास रेशियो एट दिस मोमेंट इज हाईएस्ट, ठीक है, क्योंकि मास सबसे कम पड़ रहा था। ठीक है, ये है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कब हुई, एनोड रेज डिस्कवर हुआ जिससे पता चला कुछ पॉजिटिव है, फिर एनोड रेज का चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट करने की कोशिश की गई, जिसके लिए हाइड्रोजन को ट्राई किया, हाइड्रोजन केस में देखा गया कि सिर्फ एक प्रोटॉन ही है और इसका नाम इन्होंने प्रोटॉन दिया। ठीक है अच्छा, कैसे वो समझ गए ये बात, लॉजिकल कैसे हुआ सर कि यही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था, वेरी गुड। जॉन डाल्टन ये बात बोल के गए हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सबको पता है एटम न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन होगा, इस फंडामेंटल पार्टिकल का नाम प्रोटॉन दिया और बोला गया बाकी गैसेस में यही पार्टिकल और ज्यादा है, न्यूट्रॉन अभी डिस्कवर नहीं हुआ, अभी तो न्यूट्रॉन की किसी को खबर नहीं, किसी को न्यूट्रॉन का पता नहीं। जे.जे. थॉमसन समझ गए थे, जे.जे. थॉमसन ने काफी पहले कंक्लूड कर दिया था कि एक और पार्टिकल है, पॉजिटिव भी और उसके बाद भी एक पार्टिकल है, क्योंकि एटम का मास जो था वो सही नहीं आ रहा था, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास मिला भी दें तो भी एटम का मास नहीं मैच कर रहा था, तो वहां से वो समझ गए थे। ठीक है, तो ये कहानी थी कि भाई एनोड रेज किससे बनी है, गैसियस आयन से, हाइड्रोजन केस में प्रोटॉन से, अलग अलग गैसेस में चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यार प्रोटॉन की थोड़ी बहुत बात करनी है तो कर लेते हैं, प्रोटॉन के बारे में बात कर लें बच्चों। प्रोटॉन का चार्ज पता चला, वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का है, बस प्लस पॉजिटिव है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन का जो मास है बच्चों तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.625 × 10⁻²⁷ kg। ऐसे ही बोल सकते हो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से काफ़ी गुने भारी है, कितने गुने भारी है, 1837। तो इतनी बातें पता चली प्रोटॉन के बारे में, तो अभी यहाँ डिस्कवरी कंप्लीट हुई किसकी, इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, अभी न्यूट्रॉन का कोई अता पता नहीं है। 1880s ये सब टाइम चल रहा है अभी, ठीक है, एग्जैक्ट सेंचुरीज मैंने याद नहीं किए कब कौन आया, कभी कहानी है पूरी, तो अभी 1880, 1890, 1800 ये सब समय चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी बीच ये सब बातें देखते हुए जे.जे. थॉमसन ने प्रपोज कर दिया फर्स्ट सब एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जे.जे. थॉमसन, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, मॉडल फेल किया है, बट बात देखो ना किस जमाने में ये बात कर दी इन्होंने, जे.जे. थॉमसन प्रपोज फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, ऑल दो जॉन डॉल्टन का पहला, पर इनके को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि इनका पार्टिकल किसको बता रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बता रहा है। हाँ, इनकी सोच थोड़ी अजीब थी आज के टाइम पे, पर उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने बोला कि एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, क्या बोला एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, एटम पूरा पॉजिटिव स्फीयर का बना है, मतलब पॉजिटिव में बनाऊ ही नहीं, लिखू ही नहीं, मतलब ग्रेन्स है पॉजिटिव, छोटे 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 छोटे, जैसे हमारी खीर होती है, खीर दूध से बनी है यार, तो
दूध को दिखाना क्या उसमें, समझ रहे हो? जैसे खीर में दूध है वैसे एटम में पॉजिटिव चार्ज वैसे है, पूरी तरफ स्प्रेड है। एटम एक स्फीयर है, एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ओनली, पॉजिटिव चार्ज से ही कुछ 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 जैसे दूध से ही बन रही है पूरी खीर, और उसके बीच में कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे काजू किशमिश की तरह लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड, ठीक है, ठीक है, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स में कुछ 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 ऐसे ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा। मतलब इसको आप इमेजिन कर सकते हो, दो बड़े नाम इनके हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग, या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो वाटरमेलन से सब समझ गए होंगे कि जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं, ठीक है। या प्लम पुडिंग मॉडल, अब पुडिंग खीर जैसा हो गया, अब उसके अंदर जो काजू किशमिश या जो राइस पड़ी है वो इलेक्ट्रॉन जैसा है, और जो पूरा मिल्क है उसका वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बताया, इन्होंने ये भी बताया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, कैसा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली, मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन है, इन्होंने बोला जो प्रोटॉन है वो पूरे में बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, इसके लिए ही गॉट नोबेल प्राइज। और धीमे धीमे ये मॉडल फिर रिजेक्ट हो गया, और रिजेक्ट क्यों हुआ, रिजेक्ट क्यों हुआ, व्हाई दिस एटॉमिक, तो जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया कि भाई जो प्रोटॉन्स हैं वो पूरे में स्प्रेड हैं, पूरा मास जो है, जो पूरा मास है, जो प्रोटॉन है वो स्प्रेड है, क्योंकि मास तो प्रोटॉन पे, और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में एम्बेडेड है। पर ये मॉडल ज़्यादा दिन स्टैंड नहीं किया, और रीज़न ये था कि इसके बाद जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे एटम के ऊपर वो इस मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो धीमे धीमे लोग समझ गए कि ये मॉडल कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। कुछ बातें सही हैं इसमें कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बराबर है, न्यूट्रल है, पर कुछ बातें गलत है कि पूरा मास स्प्रेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सही हुई जब बच्चों रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट क्लेम किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड अलॉन्ग विथ हिज कलीग, इन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट क्लेम किया जो कि था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये बहुत ही बड़ी एक खोज थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, काफ़ी चीज़ें यहाँ से चेंज हो गई साइंस में। अल्फा पार्टिकल सब लोग जानते होंगे, अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर प्लस टू का चार्ज होता है, जिसका मास चार टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है, या फोर एएमयू भी बोल सकते हैं, एक भारी पार्टिकल है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम में भाई साहब दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के एटम में से अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बचेगा क्या, सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचेगा। हीलियम का न्यूक्लियस है दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो चार्ज कितना हुआ, प्लस टू प्रोटॉन की वजह से, मास कितना हुआ, टू टू फोर, ठीक। तो ये जो अल्फा पार्टिकल था ये एक हैवी पार्टिकल था जिसके ऊपर प्लस टू का चार्ज था, और रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है ये रेडियो एक्टिविटी की तरफ के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी अल्फा बीटा पार्टिकल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये काफ़ी रिच पर्सन थे, इनकी अपनी कंपनी थी जो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर डिस्कवरीज कर रही थी और पैसे कमा रही थी। तो इनकी टीम ने इनको रिपोर्ट किया कि साहब हमने जब अल्फा पार्टिकल को किसी मेटल की प्लेट पे मारा या किसी भी सब्सटेंस की प्लेट पे मारा तो अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे प्लेट के अंदर से निकल जा रहे। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता कि पॉजिटिव चार्ज हर तरफ स्प्रेड किए हैं तो अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज था, वो अंदर से नहीं निकल पाता भाई। हर तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज, हर तरफ अगर मास है एटम के तो अल्फा पार्टिकल लड़कर वापस आता, पर ऐसा नहीं हो रहा था। इनकी टीम ने इनको रिपोर्ट किया तो इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने कई लोग से कोलैबोरेशन किया, कई लोग से चीज़ें सीखी, और फिर वही पूरा एक्सपेरिमेंट अपनी तरफ सेटअप लगाया। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए हम इमेज देखते हैं और इस बात को समझते हैं। इसमें इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसमें से हम अल्फा पार्टिकल निकालेंगे, इसको इन्होंने बोला सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, लेड के बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब सामने इन्होंने एक गोल्ड का फॉइल रखा, गोल्ड का थिन फॉइल ऑफ गोल्ड उसके सामने रखा, एक पतली सी पेपर, एक पतला सा शीट रखा गोल्ड का, ठीक, और इसके पीछे एक यू शेप में स्क्रीन लगाई, जिंक सल्फाइड की, फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन लगा ली,
ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल इजेक्ट कराए, वो अपने आप ही निकलेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, अल्फ़ा बीटा गामा देता है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स था, तो वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकले। ये काफ़ी ही महंगा एक्सपेरिमेंट है, तो रदरफोर्ड इसको कर पाए क्योंकि इनका अल्फ़ा पार्टिकल में पहले से एक्सपेरिमेंट्स इनके पास बहुत सारे चल रहे थे। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की शीट्स पे गए और कुछ ऑब्जर्व हुआ। क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, तो व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इनका जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था, आइए ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, यही ऑब्जर्वेशन बेसिस बनेंगे अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। सो हिज ऑब्जर्वेशंस वर फर्स्ट, नियरली 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, मतलब जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से चले गए, गोल्ड फॉइल को चीरते हुए सामने जिस तरफ से आ रहे थे सामने जाके उन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे एकदम सामने स्पॉट्स बनाए, नियरली 99.9। इन्होंने करोड़ों अल्फा पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंट किया, एक दो पे नहीं। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स were deflected by small angles, यानी कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, थोड़ा सा अपने रास्ते से बहक गए और एग्जैक्टली जाके स्क्रीन पे गोल्ड फॉइल के पीछे हिट नहीं किए, थोड़े से डिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ हिट किए, थोड़े से डिफ्लेक्ट होके यहाँ, अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे आ रहा था सोर्स से, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे ना जाकर डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, वेरी फ्यू, और इसका इन्होंने काउंट भी बताया, 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल रिटर्न्स बैक या ये बोल दो इस बात को कि जो डिफ्लेक्टेड बाई लार्ज एंगल, या आप ये बोल दो डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, कुछ अल्फा पार्टिकल आए और लौट कर वापस चले गए करीब करीब 180 ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे पता चला होगा, तो एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ किताब में बनी नहीं रहती, बट ये एक्सपेरिमेंट एक बार में थोड़ी ना हुआ, बहुत बार हो चुका था, उनको आइडिया था ये सब होने वाला है, तो उन्होंने इसके पीछे भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, तभी तो इनको पता चला कि अल्फ़ा पार्टिकल पीछे हिट किया, तो पीछे भी दिखा कि कुछ स्पॉट्स जहाँ पे आपने सोर्स रखा है कुछ स्पॉट्स के उस तरफ, इस तरफ, पीछे की तरफ, आगे इस तरफ भी बन रहे हैं, है ना, बैक साइड में, इसका मतलब ये कुछ अल्फ़ा पार्टिकल लड़कर वापस आ गए हैं। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थी, करीब करीब सारे अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए, नियरली 99.9, कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल से बहुत कम, और बहुत ही कम 1 in 20,000 डिफ्लेक्ट होकर सीधा जहाँ से आए थे वापस वहाँ पहुँच गए। तो इसके लिए आप ये वाली एक इमेज देखें, देखिए इसमें दिखाया है कि क्या हुआ होगा अंदर, देखिए ये एटम का पिक्चर इन्होंने सोचा, क्या पिक्चर सोचा इन्होंने एटम का, कि एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं बीच में है और पूरा का पूरा एटम खाली है। अब पूरा का पूरा एटम खाली है तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले जा रहे हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तभी तो 99.9% सीधे सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से आए होंगे या पॉजिटिव चार्ज के पास से निकले होंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज के पास से निकले वो डिफ्लेक्ट हुए थोड़ा सा, और कुछ अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन पे होंगे, तो जो एग्जैक्ट लाइन पे होंगे वो डिफ्लेक्ट होके 180 डिग्री सीधा वापस, बहुत कम ऐसे होंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह में था, ये बात इन्होंने ही सोची। क्यों सोची, क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल थे जो 180 डिग्री आ रहे थे, वो वही होंगे जो सीधा पॉजिटिव चार्ज की लाइन में होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बिखरा हुआ नहीं है, बिखरा हुआ होता तो सारे अल्फा पार्टिकल डेविएट होते वापस आते, कुछ ही वापस आए, मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी जगह पे है, और ये जो छोटी सी जगह है इसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का। अगर आप डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इंटरनेट पर सर्च करोगे तो रदरफोर्ड का नाम आएगा। आइए वापस आते हैं, देखते हैं इसको। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई वैसा एक मॉडल तैयार किया, जिसको इन्होंने बोला रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल आपके सिलेबस का, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस की बात की गई है, इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या कंक्लूजन दिए, पहला कंक्लूजन ये दिया उन्होंने कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, इमेज को देखिए,
मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, तभी तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल चले गए। दूसरा कंक्लूजन दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में है, द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, बहुत छोटी जगह में। और तीसरा कंक्लूजन इन्होंने क्या दिया, तीसरा कंक्लूजन ये दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो हैवी भी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ही हैवी पार्टिकल है, 4 AMU का मास है, वो किसी चीज़ से लड़कर वापस आ रहा है, तो मतलब उसका भी मास ज़्यादा होगा। जैसे मान लो एक साइकिल वाला है और तेज़ी साइकिल चला रहा, तो वो भिड़कर वापस कब आएगा, जब उसके सामने ट्रक खड़ी हो। मतलब एटम के बीच में कहीं एक बहुत भारी चीज़ भी है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत भारी भी है ना। अब ये न्यूट्रॉन की तरफ हिंट है कि कुछ भारी सा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कुछ भारी है, जिससे लड़कर अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। तो तीन कंक्लूजन इन्होंने दिया, फर्स्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सेकेंड द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, थर्ड द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हैवी और देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द एटम एंड दैट हैवी थिंग ही कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके बेसिस पे इन्होंने अपना मॉडल दिया और मॉडल में इन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए, जो थ्योरीज दी वो ये दी। पहला पॉइंट जो इन्होंने अपने मॉडल में बताया, ये बताया द इंटायर, पहले ये ले लेते हैं, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, यानी मैक्सिमम स्पेस एटम का हॉलो है ना, खाली है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया बच्चों, द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड दिस स्मॉल स्पेस ही टर्म्ड एज न्यूक्लियस। ये क्यों बोला, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वही अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे जो पॉजिटिव चार्ज के आसपास पहुंच रहे थे। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, इसको ऐसे ही बोला था इन्होंने, देयर इज समथिंग, कई किताब में ऐसे लिखा हुआ है, देयर इज समथिंग वेरी हैवी, वेरी हैवी इन एटम, और वो हैवी चीज़ कहाँ पे है, कहाँ पे है वो हैवी चीज़, न्यूक्लियस पे है। क्यों बोला ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल ऑलरेडी काफ़ी मासिव था और मासिव चीज़ लड़के वापस आ रही, मतलब सामने वाले का मास और ज़्यादा हो गया, टकरा कर वापस आया। चौथा पार्ट इन्होंने वही बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, तो ये पिछली थ्योरी को फॉलो किया, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन है, हम सबको पता है कौन है, प्रोटॉन। तो ये बातें इन्होंने की कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रिसाइड्स इन अ वेरी स्मॉल स्पेस एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, द पॉजिटिव चार्ज इज हैवी, द न्यूक्लियस इज हैवी, देर इज समथिंग वेरी हैवी इन एटम एंड दैट इज न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। अभी न्यूट्रॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन के बारे में अभी डिस्कवरी नहीं, हिंट है डिस्कवरी नहीं। और क्या चीज़ इन्होंने डिस्कवर की बच्चों, रदरफोर्ड ने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, कुछ और बातें भी डिस्कवर की इन्होंने, पॉइंट नंबर 5 ले लेते हैं, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो इन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस पे भी कमेंट किया, कैसे किया, एक्सपेरिमेंट से देखा कितने अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड हैं, कितने डेविएट हो रहे हैं, तो उससे पता चल रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत छोटी जगह पे है। कितनी छोटी है बच्चों, मान लो अगर एटम का साइज हम बोलें 10^-10 meters, तो न्यूक्लियस का साइज बच्चों 10^-15 meters, यानी न्यूक्लियस इससे कितना छोटा है या एटम न्यूक्लियस से कितना बड़ा है, 10^5 times बड़ा है, 10000, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000 lakh। तो जो एटम है, एटम की साइज 1,00,000 गुना बड़ी है न्यूक्लियस के साइज से, ठीक है। इसको लिखा मैंने ताकि इमेजिन हो, 1,00,000 गुनी बड़ी है न्यूक्लियस से। जैसे किताबों में दिया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है कि न्यूक्लियस को अगर आप क्रिकेट बॉल समझो, न्यूक्लियस को क्रिकेट बॉल, तो जो ग्राउंड है ना, जो एटम है वो ग्राउंड है, जो एटम है वो ग्राउंड है, वो ग्राउंड हर दिशा में 5 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर का आपको आइडिया होगा कि अगर वो न्यूक्लियस आप एक बॉल समझो, तो जो फील्ड है, जो एटम है, वो
5-5 किलोमीटर लंबा, इतनी छोटा न्यूक्लियस है, 1,00,000 गुना बड़ा है एटम का साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इतनी बातें इन्होंने रदरफोर्ड ने की। फिर से देख लो सारे पॉइंट, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, पॉजिटिव चार्ज किसी छोटे से स्पेस में जिसको न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज हैवी भी है, देयर समथिंग्स हैवी इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम से, अगर एटम को 10^-10 मीटर तो न्यूक्लियस को 10^-15 मीटर, यानी एटम 1,00,000 गुना बड़ा है न्यूक्लियस की साइज से। इन सारे कंक्लूजन के सिवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रदरफोर्ड ने बताया है, क्या जे जे थॉमसन के मॉडल के एकदम अपोजिट, जिसके बारे में किताबों में बात होती है बहुत कम बात होती है, और वो क्या था, वो था जो आप क्लास 9th-8th से पढ़ते आ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इन्होंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इनके नाम से है ये सबसे बड़ी चीज, लेकिन इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन क्लोज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस यहां पे है और न्यूक्लियस में अभी सिर्फ प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इसके अगल बगल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इसके अगल बगल घूम रहा है, ठीक है। ये मॉडल आप कंपेयर कर सकते हो सोलर सिस्टम से, रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं, जैसे सन बीच में है और अर्थ या प्लैनेट्स इसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह से प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, सिंस आई एम फिजिक्स टीचर एज वेल एज केमिस्ट्री, आप जब ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, सन के बारे में पढ़ोगे और एनर्जी वगैरह पढ़ोगे कि क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी फोर्स है, वो सब कुछ यहाँ से एनालॉगी मिलेगा, बहुत तगड़ा एनालॉगी मिलेगा, मतलब जो कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे भी वैलिड होंगी विथ डिफरेंट वेरिएबल्स, पर कंसेप्ट सेम होगा। मतलब ये एक एनालॉगी इन्होंने ढूंढी थी जो कि आज की डेट में आप कॉम्पिटिशन में जाओगे बहुत ही कॉमन हो गई है। तो इनके मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल कहते हैं, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं प्रोटॉन के अगल बगल, जबकि जे जे थॉमसन ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। तो यार ये तो बात होगी, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये बात कैसे कर सकता है कोई, सोचो कैसे कोई अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से यहां पहुंच सकता है, ये कैसे बोला उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, ये भी तो बोल सकते थे कि इलेक्ट्रॉन बाहर है पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये बात कैसे की उन्होंने, पॉज करके सोचो ये बात कैसे की कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पहली बार किसी ने ये आइडिया कैसे सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रुके नहीं है, रेस्ट पे नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज के टाइम पे आपको सब इजी लग रहा है, जब किसी ने सोचा तो क्यों, तो इसके पीछे रीजन समझाता हूं मैं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, सबको पता है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्लास 12th में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे भी है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन तो बीच में है तो श्योर हो गया ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ इसके पास आ जाएगा, प्रोटॉन भी जा सकता है, प्रोटॉन का मास हैवी है तो इलेक्ट्रॉन खींचता हुआ इसके पास आएगा, आपस में कोलाइड करेंगे, एटम खत्म हो जाएगा। ये एक पॉइंट था, यहां से उन्हें समझ में आया कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन आके इससे चिपक जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भाई साहब इस फोर्स को किसी और तरह से यूज करेगा, किस चीज में यूज करेगा, सर्कुलर मोशन में, इस फोर्स को वो यूज करेगा किस में, सर्कुलर मोशन में। अभी आपने सर्कुलर मोशन भी नहीं पढ़ा, आप पढ़ोगे मेरे साथ ही फिजिक्स में सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि एक फोर्स होती है, अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है तो एक फोर्स होती है जो उसे सर्कल में घुमा रही है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमेगा, आप ध्यान से देखो, तो इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी, अग्रीड, इसकी स्पीड सेम हो सकती है, हो सकता है, पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में यार, वेलोसिटी में क्या होता है डायरेक्शन, अब मैं फिजिक्स का टीचर भी हूँ, थोड़ी फिजिक्स में आ गया, वेलोसिटी क्या होता है डायरेक्शन, है ना, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो आप देखो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली इसके पास होना चाहिए बच्चों एक्सेलरेशन, और बच्चों एक्सेलरेशन तभी आ सकता है जब किसी के पास हो फोर्स, इतना तो सबने पढ़ रखा है 9th-10th में। पहली बात, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स। ये जो फोर्स होती है बच्चों, इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी चीज को घूमने के लिए चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है तो उसे चाहिए होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मान लो आपने हाथ में एक स्टोन लिया, उसको धागे से बांधा और ऐसे लेके घुमाया, तो
आप स्टोन को लगातार अंदर खींच रहे हो, लगातार अंदर खींच रहे हो, पर स्टोन अंदर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? उस फोर्स को भी यूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अपना ये सिस्टम ले लो, सन और अर्थ का, तो अर्थ को सन अपनी तरफ खींचता है किस फोर्स से? सबको पता है यार, ग्रेविटेशनल फोर्स खींचता है कि नहीं? सन अर्थ को खींचता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ क्यों नहीं आके सन से लड़ जा रही? क्योंकि अर्थ इस फोर्स को यूज कर रही है घूमने के लिए, मतलब किस तरह यूज कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो ये जो पॉइंट था, इससे इन्हें समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ लग रही है और इलेक्ट्रॉन अगर रुका हुआ है, अगर रुका हुआ है तो जाके लड़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है, इलेक्ट्रॉन इस फोर्स को किस में चेंज कर ले रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को, और घूम रहा है। और यहां से रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट्स। और इन्होंने एक इक्वेशन भी दी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और दोनों फोर्स को बैलेंस करके कुछ फॉर्मुलेज इन्होंने डिराइव किए, जिसको नील बोहर ने और आगे ले गए। तो ये बच्चों रदरफोर्ड का मॉडल था। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बहुत फेमस हुआ, ठीक है, 1890s में आया, बहुत हिट हुआ ये, बहुत हिट हुआ, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बता दिए इसमें। पर फिर आया बच्चों फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये भी नहीं टिके। बड़ा अच्छा मॉडल लग रहा है, आपने भी यही पढ़ा है क्लास 9th, 10th, 8th में यही तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन की वजह से फेल नहीं हुआ। अगर कोई सोचने लगा न्यूट्रॉन की वजह, अभी न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुआ, न्यूट्रॉन तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है, 1930s में, अभी बहुत टाइम है ना, 1920-1930 में डिस्कवरी, अभी तो न्यूट्रॉन की बात ही नहीं, अभी तो 1890s चल रहा है। तो इनका मॉडल क्यों फेल हो गया रदरफोर्ड का? नॉट बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन, नो। दो बड़े फ्लॉज आए। पहला फ्लॉ था बच्चों मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी है ना। अब मैक्सवेल भी हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ये सब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा मैग्नेटिज्म सब मैक्सवेल का है। अभी तक आप आइंस्टीन न्यूटन जानते थे, मैक्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म सब मैक्सवेल के लिए है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरीज दे रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल याद रखना। तो मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी, एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन। रेडिएशन को आप समझ सकते हो एनर्जी, लाइट, लाइट की तरह समझ सकते हो, इमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी। भाई अब कोई अगर रेडिएशन इमिट करेगा तो एनर्जी खत्म होगी कि नहीं? टॉर्च जलाओगे तो थोड़ी देर बाद बैटरी खत्म हो जाएगी। तो ये मैक्सवेल की थ्योरी थी और ये वेल प्रूफ थ्योरी थी, ऐसा नहीं कि ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी वेल प्रूफ थी। इन्होंने बोला था एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन एंड लूजेस एनर्जी। कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, तो वो एनर्जी को लूज करेगा। अब ये बात रदरफोर्ड के मॉडल पे लगाओ, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही, तो इलेक्ट्रॉन हो गया एक्सेलरेटेड। इलेक्ट्रॉन में के पास है चार्ज, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्सेलरेटेड भी है, चार्ज पार्टिकल भी है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? इमिट कर रहा होगा रेडिएशन एंड लूज कर रहा होगा एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? मान लो स्कूल में टग ऑफ वॉर हो रहा है, वो खींचम खींची वाला, रस्सी वाला गेम, ठीक है, सामने वाला बंदा खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, तुमको खाना भी मिल रहा, पानी भी मिल रहा, ये सामने वाला बंदा है, इसका खाना पीना सब चला जा रहा है, देख रहे हो इसकी एनर्जी निकल रही है, इसके ऊपर धूप पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, इसकी एनर्जी जा रही धीमे धीमे, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन। आपकी एनर्जी उतनी है तो आप उसे खींच रहे हो, भी आपको खींच रहा था, अब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो आके आपसे लड़ जाएगा। तो अगर इस थ्योरी को हम माने तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ न्यूक्लियस और एटम नहीं बचा, एटम इज डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गया ना, दोनों पार्टिकल एक दूसरे में लड़ गए, एटम इज डिस्ट्रॉयड। सो जो पहला फेलियर था उसका जो नाम लिखा है वो ये कहते हैं, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो ये बात साबित नहीं कर पाए कि एटम स्टेबल है।
क्या ये चीज़ होती है? ये चीज़ नहीं होती भाई, एटम स्टेबल होता है। पर अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी को माने और मैक्सवेल की थ्योरी सही है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, जाके प्रोटॉन से लड़ जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, एटम स्टेबल नहीं होगा, पर एटम स्टेबल होता है। सो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो पहला पॉइंट एग्जाम में आप ये मत लिखना मैक्सवेल थ्योरी, आप पहला पॉइंट ये लिखोगे कि फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ही कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट स्टेबल, ही अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज नॉट स्टेबल अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी तो इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने नहीं कहा कि ये सब होगा पर मैक्सवेल की थ्योरी सही है। तो पहली चीज क्या थी, फंस गए वो, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम ड्यू टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल इनके, ठीक है, बहुत बड़े महारथी थे। सेकेंड पॉइंट क्या था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, या इसी को बोलो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। फिर एक नई चीज़ आपके पास आई, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कितने लोग को स्पेक्ट्रम आता है, हाथ उठाएं क्लास का आदत। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप देखते हो कि जब लाइट ग्लास प्रिज्म से पास करता है ना, प्रिज्म से, जो प्रिज्म से लाइट पास करती है तो अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, विबग्योर में, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो जो कलर का बैंड बनता है स्क्रीन पे जाके, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसमें क्या कहानी है, हमने देखा कि हमने एक ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है, कोई भी गैस ले ली, हीलियम गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली, कोई भी गैस ले ली इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, और इसको हमने हीट किया, या ऐसे समझ लो हीट, छोड़ो, आपने यहाँ पे एक गैस ली और आपने इसके ऊपर वाइट लाइट डाली, ऐसे समझ लो, क्या डाली, वाइट लाइट डाली, और वाइट लाइट देख डालने पे आपने देखा कि इस तरफ स्क्रीन पे वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब गायब है, कुछ कलर्स गायब थे, वायलेट वाला कलर बहुत ज़्यादा है, इंडिगो वाला थोड़ा सा है, ब्लू वाला एकदम कम है, और बाकी सब गायब। आपने गैस चेंज किया, कोई और गैस ले ली, मान लो हीलियम ले ली, वाइट लाइट डाली, तो अब आपने देखा कुछ और हो गया, इस बार येलो कलर सबसे ज्यादा था, ठीक है, और जरूरी नहीं कलर हो बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनविजिबल भी होती हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सुना होगा गामा रेज, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे पास करके यहां पहुंच रही थी, कुछ रेज यहां पहुंच नहीं रही थी, इसको इन्होंने बोला लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट मतलब कुछ है, लाइन मतलब कुछ लाइंस हैं, कुछ लाइंस गायब हैं, दो तरह के थे ये भी, एक इमेजन था, एक एब्जॉर्प्शन था, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अभी उसके बारे में स्पेक्ट्रम जब टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। ये दो बड़े फेलियर थे, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इनका मॉडल कहीं से इस चीज़ को स्टैंड नहीं कर रहा था, बट स्टिल इनका मॉडल बहुत 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 बढ़िया मॉडल था। तो ये दो रीज़न थे जिससे रदरफोर्ड का मॉडल फेल किया। एंड देन केम द पर्सन, द मैन हु चैलेंज्ड आइंस्टीन। हु इज़ द मैन हु चैलेंज्ड आइंस्टीन, कमेंट करके बताओ, और वो होगा अपना नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम।